पहले की माएं अपने बच्चों को हमेशा अपने सीने से लगाए नहीं रखती थी। वजह थी कि उनके पास इतना काम होता था घर का, खेतों का, कि उन्हें अपने बच्चे के साथ खेलने का वक्त तो दूर की बात है, दूध पिलाने तक का समय ना था। वहीं आज की तारीख में ये बिल्कुल उल्टा है। अब महिलाएं अपना सारा काम छोड़ देती हैं सिर्फ अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए। एक मिनट के लिए भी आज की महिला अपने बच्चों को अपने आप से दूर नहीं होने देती है। इसके पीछे एक वजह है। पहले की सासें इतनी खतरनाक हुआ करती थी कि बहुओं के अंदर हमेशा अपनी सास को लेकर खौफ रहता था कि अगर ये काम ना हुआ तो सास उनका क्या हाल करेंगी। लेकिन अब समाज काफी बदल गया है, जिसके कारण आज की तारीख में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। जहां आज की महिलाएं अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करके रखती हैं, वही एक देश ऐसा भी है जहां महिलाएं अपने नवजात शिशुओं को सड़क में जमीन पर लिटा देती हैं। मगर क्यों? ये सवाल आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा। दरअसल स्पेन में एल कोलाचो नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में बच्चों को जमीन में बिछे गद्दों पर लिटाया जाता है और इन बच्चों के ऊपर से कई सारे लोग कूदते हुए जाते हैं और इन्हीं लोगों में से एक होता है डेविल। और जब तक वो सभी बच्चों के ऊपर से कूदकर ना चला जाए तब तक ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहता है। इसी कारण इस त्योहार को बेबी जंपिंग या डेविल जंपिंग फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल ये त्योहार 400 साल पुराना है जो स्पेन में मनाया जाता है। इस पारंपरिक स्पेनिश फेस्टिवल में बर्गोस प्रांत के सासामोन के एक गांव के स्ट्रिलो डी मर्सिया में कॉर्पस क्रिस्टी की कैथोलिक दावत का जश्न मनाया जाता है, जो कि हर साल होता है। जिस दिन ये जश्न मनाया जाता है उस दिन उस प्रांत की सभी महिलाएं जिनके बच्चे हाल ही में जन्मे हैं या फिर जिस बच्चे को जन्मे कुछ ही दिन ही हुए हों, वो भी अपने बच्चों को सड़क में बिछे गद्दों पर लिटा देते हैं। इसके बाद इन बच्चों के ऊपर से कुछ लोग कूदते हैं और इस दौरान ये लोग लाल और पीली रंग की ड्रेस पहनते हैं। इन्हीं लोगों में से एक होता है डेविल, जो बच्चों के ऊपर से छलांग लगा कर जाता है और जब तक ये डेविल सभी बच्चों के ऊपर से कूद कर नहीं चला जाता तब तक ये कार्यक्रम खत्म नहीं होता। अब सभी बच्चों के ऊपर से आखिरकार ये लोग और डेविल क्यों कूदते हैं और क्यों ये महिलाएं अपने बच्चों को इतने बड़े खतरे में डालती हैं? दरअसल इस परंपरा से जुड़ी मान्यता है कि जब ये लोग और डेविल बच्चों के ऊपर से कूदते हैं तो बच्चों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और इन्हें वो लोग अपने आप में ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसके कारण बच्चे आने वाले भविष्य में बुरे कामों और आदतों से दूर रहते हैं। वहीं इस प्रांत में रहने वाले कई लोग इसे अंधविश्वास बताते हैं तो कई लोग ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से बच्चों को चोट भी लग सकती है